देखिए, आम समय में अगर ये शब्द कहा जाता तो इस तरह से नहीं प्रतिक्रिया आती। महज गाय सार्वजनिक जगहों पर आप कह दीजिए और लोग चौंक जाते हैं, चारों तरफ गाय गाय। गाय पर हम लोगों ने एक गीत बनाया है, अजीब तरह की इसमें भाषा है, भोजपुरी है, हिंदी है या और जाने क्या क्या है, सुनाते हैं। गैया बैरन बवाल किए जाए, गैया बैरन, गैया बैरन बवाल किए जाए, गैया बैरन, गैया बैरन बवाल किए जाए, गैया बैरन, गैया बैरन, गैया बैरन, गैया बैरन, गैया बैरन बवाल किए जाए, गैया बैरन, गैया बैरन बवाल किए जाए, गैया बैरन। चारों तरफ है गैया ही गैया, चारों तरफ है गैया ही गैया, नौकरी मिले नाही बड़ी महंगैया, नौकरी मिले नाही बड़ी महंगैया, नौकरी मिले नाही बड़ी महंगैया, सबका जीना मुहाल किए जाए, सबका जीना मुहाल किए जाए, गली है हरियाली। कुछ लोगों को लगेगा कि ये क्या है, हरियाली यहाँ भी है आपके यहाँ बहुत जेन्यू में, लेकिन यहाँ मैंने नील गायों को देखा है, पता नहीं ये लोग नील गायों को माता मानते हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ ये 615 पकड़ करके जब हम लोग आते हैं तो उधर क्या राजपथ जनपथ उधर बड़े बड़े बंगले हैं और ऊपर से दिखता है, उसमें बहुत हरियाली होती है, लॉन बड़े बड़े, उस हरियाली को दिमाग में रखिएगा। शहर की गली गली है हरियाली, शहर की गली गली है हरियाली, ग्रीन ग्रीन हरियाली, हरी हरी हरियाली, ग्रीन ग्रीन हरियाली, हरी हरी हरियाली, छोड़ हरियाली, छोड़ हरियाली, पॉलिथिन चबाए रे, बवाल किए जाए, गैया बैरन, गैया बैरन,
गैया राम घर गैया रहीम घर गैया राम घर गैया रहीम घर गैया। कौन मेरा मजहब कौन मेरा मजहब सवाल किए जाए गैया कौन मेरा मजहब सवाल किए और अब ऊना के उन चार दलित नौजवानों की नंगी पीठें याद कर लीजिए। गैया की चमड़ी की जाकिट महंगी गैया की चमड़ी की जाकिट महंगी गैया की चमड़ी की जाकिट महंगी जूते महंगे जी टोपी महंगी जूते महंगे जी टोपी चमड़ी हमारी सस्ती हुई जाए रे गैया बहन चमड़ी हमारी सस्ती हुई जाए रे गैया बहन बवाल किए जाए रे गैया गऊ के सपूतों मनुवाद के रखवालो गऊ के सपूतों मनुवाद के रखवालो गऊ के सपूतों मनुवाद के रखवालो ये हम नहीं कह रहे हैं खाली ऊना के हजारों हजार और इस देश के सदियों से सताए हुए लोगों ने एक स्वर में कह दिया है इस बात को। गौ के सपूतों मनुवाद के रखवालो गौ के सपूतों मनुवाद के रखवालो माता को अपनी अब खुद ही संभालो माता को अपनी अब खुद ही संभालो गौ के सपूतों मनुवाद के रखवालो गौ के सपूतों मनुवाद के रखवालो माता को अपनी अब खुद ही संभालो माता को अपनी दलितों को शहीद आजम भगत सिंह ने सोए हुए शेर कहा था। सोए हुए शेरों की आंखें हुई लाल रे गैया बहन सोए हुए शेरों की आंखें हुई लाल रे गैया बहन सोए हुए शेरों की आंखें हुई लाल रे गैया बहन सोए हुए शेरों की आंखें हुई लाल रे गैया बहन गैया